आज मैं आपको सिखाता हूँ मात्र 3 स्टेप में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप तो ये दे रखा है हमारा पहला स्टेप, तो मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करूँगा एंड RHS में जो एलिमेंट के वैल्यू मैं नोट करूँगा। यहाँ पर सिल्वर इज 1, फ्लोरिन इज 1, कैल्शियम इज 1, फ्लोरिन इज 2। सिल्वर इज 1, फ्लोरिन इज 2, देन कैल्शियम इज 1, देन क्लोरिन इज 1। तो ये दे रखिए हमारी पहले स्टेप, इतना काम करना होता है पहले स्टेप में। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर पता लगाता हूँ मैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, चेक करते हैं और पता लगाते हैं। सिल्वर 1 सेम, फ्लोरीन 1 एंड 2 डिफरेंस, कैल्शियम 1 सेम, क्लोरीन 2 एंड 1 डिफरेंस दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कुछ नंबर सेम है, कुछ नंबर हमारा डिफरेंस, मिस यह हुआ केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। अब आती है स्टेप नंबर 3 आती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करूँगा और आपको बेहद आसान लगेगी केमिकल इक्वेशन। आप कहेंगे क्या इतना भी आसान होता है कि क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना। देखिए मैं कैसे ट्रिक यूज़ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन कितना हमारा 2 है, तो क्या करेंगे, बस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 2 और 2 हो गया, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर देखिए अब 2 सिल्वर हो गया, तो कितना हो गया, ये 2 सिल्वर हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई फ्लोरीन हुआ, ये 2 हो गया। आप देखिए तब सिल्वर 2 है और यहाँ पे 1, क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो सिल्वर हो गया 2 हो गया। ये 2 पुट अप कीजिए यहाँ पर, सिल्वर 2 एंड क्लोरीन, तो वैल्यू हमारी क्लोरीन की चेंज 2 और ये भी 2 हो गया। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, फ्लोरीन 2, सिल्वर 2। तो आप देख सकते हैं मात्र मैंने एक छोटी सी ट्रिक यूज़ की और केमिकल इक्वेशन हो गई बैलेंस। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो फटाफट दोस्तों बीच में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।